नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो इन दिनों काफी गर्म है। पूरी दुनिया देख रही है कि इसराइल और फिलिस्तीन में जंग छिड़ी है, बेगुनाह मारे जा रहे हैं और अमनो अमान तबाह हो गया है। आज हम यहां स्थित गाजा पट्टी के बारे में आपको जानकारी देंगे कि कैसे इस गाजा स्ट्रिप को लेकर दोनों मुल्कों में झगड़ा शुरू हुआ और आज तक गाजा पट्टी में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ इस देश ने, इस जगह ने झेला है, हम आपको बताएंगे। बात शुरू होती है 1948 से। इसराइल राज्य के निर्माण से पहले गाजा फिलिस्तीन के नाम से ही जाना जाता था। ये ऐतिहासिक फिलिस्तीन ब्रिटेन के कब्जे में रहने से पहले ऑटोमन साम्राज्य यानी 1914 से 1918 तक ऑटोमन साम्राज्य का ही हिस्सा था। 1948 में इसराइल बना और अरब सेनाओं के साथ लड़ने के दौरान 7,50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी भाग गए या अपने घरों से निकाल दिए गए। ये वो घटना थी जिसे फिलिस्तीनी अल नकबा यानी के तबाही कहते हैं। 1948 के अरब इसराइल युद्ध के दौरान मिस्र ने गाजा पर कब्जा कर लिया। ये 1967 के अरब इसराइल वॉर तक मिस्र के कब्जे में रहा। इसके बाद इसराइल ने इस इलाके के साथ साथ वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलम पर भी कब्जा कर लिया। फिलिस्तीनी क्लेम दीज टेरिटरीज एंड सी दैट एज पार्ट ऑफ अ फ्यूचर स्टेट। जी हाँ, 2005 में इसराइल ने गाजा से अपने सैनिक हटा लिए और लगभग 7,000 बाशिंदों को भी वापस बुला लिया। इसके अगले साल गाजा चुनाव में हमास मूवमेंट आ गया, लेकिन ऑपोजिट पार्टी फतह के साथ झगड़े के बाद हमास ने 2007 में फोर्सफुली सत्ता पर कब्जा कर लिया। तब से गाजा में चुनाव नहीं हुए हैं। वहीं इसराइल ने भी गाजा पट्टी की हवाई, जल और थल नाकाबंदी लगाकर जवाब दिया। 2007 में जब हमास ने सत्ता संभाली तो मिस्र ने गाजा के साथ लगी अपनी सरहद को पूरी तरह बंद कर दिया, जिससे मिस्र की तरफ से जो कुछ भी मदद मिलती थी वो पूरी तरह बंद हो गई। हमास ने पिछले 1.5 दशक में इसराइल के साथ कई युद्ध लड़े हैं। पिछले प्रमुख युद्धों में एक मई 2021 में हुआ था, जिसके दौरान गाजा में सैकड़ों लोग मारे गए और इसराइल में 13 लोग मारे गए। गाजा पट्टी पूरी तरह से तबाह कर दी गई। इस दौरान इसराइल ने गाजा पर 4 सैन्य हमले किए 2008, 2012, 2014 और 2021 में, जिसमें कई बच्चों समेत हजारों फिलिस्तीनी मारे गए और हजारों घर, स्कूल और कार्यालय इमारतें तबाह हो गई। हालात ये हैं कि यहाँ अब पुनर्निर्माण लगभग नामुमकिन हो गया है, क्योंकि गाजा की घेराबंदी स्टील और सीमेंट जैसी दीवारों से की गई है, जिससे गाजा तक मदद पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा 2008 के हमले में फास्फोरस गैस जैसे इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिबंधित हथियार का इस्तेमाल भी इसमें शामिल था, जिसमें मासूम बच्चे गैस से तड़प तड़प कर भी मरे थे। 2014 में 50 दिनों की मुद्दत में इसराइल ने 2100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार डाला, जिसमें 1462 नागरिक और करीब 500 बच्चे शामिल थे। इस हमले को इजरायलियों ने ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज कहा था। लगभग 11,000 फिलिस्तीनी जख्मी हो गए, 20,000 घर बर्बाद हो गए और 5,00,000 लोग दर बदर हो गए। हमास गाजा पट्टी में राइट विंग पार्टी है। हमास गाजा पट्टी से इसराइल पर खतरनाक रॉकेट से हमला करता रहता है। इस हमले में अब तक इसराइल के कई नागरिकों की जान जा चुकी है। इस वजह से इसराइल ने गाजा को पूरी तरह से लॉक कर रखा है। इसराइल का कहना है कि ईरान जैसे देश गाजा में इजिप्ट के रास्ते हथियारों की सप्लाई करते हैं ताकि उनके देश को तबाह बर्बाद किया जा सके। इसराइल के जरिए गाजा पट्टी ब्लॉकेड होने से यहाँ हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। बेरोजगारी का आलम रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। गाजा में बिजली पानी की समस्या काफी ज्यादा है। हाल ही में अमेरिका इसराइल और फिलिस्तीन के मसले को सुलझाने के लिए पीस प्लान भी लेकर आया था, इसे फिलिस्तीन ने खारिज कर दिया। वहीं अब दोबारा इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में हिंसक झड़पें हो रही हैं, जिसका खामियाजा बेकसूर आवाम को भुगतना पड़ रहा है। बात इंसानियत की होनी चाहिए, हुक्मरानी की नहीं। जो खून बहा उसमें इंसान मरा है, इजरायली या फिलिस्तीनी नहीं। और हम ऐसे हमलों और जंगों की निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आज की हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके अलावा बेल आइकन दबाना ना भूलें।